आदि पुरुष मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर किसी अपराधी को सजा देनी है तो एक कमरे में बैठा के उसे आदि पुरुष मूवी दिखाओ उसके लिए सजा किसी नर्क से कम नहीं होगी और अगर इससे भी बदतर सजा देनी है तो फिर इस मूवी के डायलॉग उसको रिपीट पे सुनाओ मैंने इस मूवी को सिर्फ एक बार देखी है और मैं इसी बेसिस पे आपको इस मूवी के कई सारे वर्स्ट सीन बता सकता हूँ मूवी के मेकर ने यह कहा था की आदि पुरुष के हर एक शो में एक सीट को खाली रखना हनुमान जी के लिए क्यूँकी वो देखने आएंगे सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है की हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें एक हिट मूवी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है एक अच्छी स्टोरी फिर अच्छे एक्टर्स ढंग का बीजेम और साउंड इफेक्ट्स मूवी में ढंग के डायलॉग्स मूवी के हिसाब से उसके अच्छे वीएफएक्स और इन सब के बाद एक अच्छा डायरेक्शन लेकिन आदि पुरुष में सारी ही चीजें घटिया है सच में आदि पुरुष के मेकर्स ने इस मूवी को बनाने में जीरो एफर्ट्स डाले हैं तो शुरुआत से बात करते हैं इसके स्टार्टिंग के फाइट सीन से यहाँ पे प्रभास का इनसे लड़ने का कुछ सेंस ही नहीं बनता मतलब की मूवी में दिखाने को इतना कुछ है लेकिन ये दिखा रहे हैं ये वो भी ऐसे वी के साथ सच में इनकी प्रभास से हाथापाई होती है वो भी जमीन पे नहीं आसमान में ऊपर से ये सीओसी का सस्ता उसके बाद जब राम जी इसको मार देते हैं तब इन भूतों के मरने के एनिमेशन पे भी कुछ एफर्ट नहीं डाला है उस पोजिशन पे बस ब्लू पार्टिकल डाल दिए हो गया रावण की ही बात करे तो सबसे पहले उसका चलने का स्टाइल ऐसा लग रहा है की इसके बगल में बवासीर हो गया है और जब इस सीन के बाद वो अपने असली रूप में आता रहता था तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लग रहा था की वो भी ट्रांसफॉर्म के एक जॉम्बी बन जाएगा मतलब हाथ किधर जा रहा है बॉडी किधर जा रही पता ही नहीं चल रहा है और सिम ऐसा ही जब हनुमान जी नदी पार करने वाले होते हैं और वो छोटे से बड़े होते तब भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो यहाँ पे सीधे सीधे छोटे से बड़ा होते हुए दिखाते तो वो ज्यादा बेटर होता फिर ये चमगादड़ बना वो ड्रैगन चाहते थे लेकिन बन गया उनसे ये लिटरली रावण के पास चमगादड़ों को कंट्रोल करने की पावर है और वो खुद भी चमगादड़ बन सकता है मतलब की रावण की इस दो टके की आर्मी ऐसी ज्यादा काम तो इन चमगादड़ों ने किया है मुझे नहीं लगता की इसके मेकर्स ने एक भी बार रामायण पढ़ी या फिर देखी भी होगी देखो रावण में सौ बुरा थी लेकिन वो लोहार नहीं था भाई कुछ तो इज्जत कर लो उसकी वो रावण है यहाँ पे उससे लोहा पिटवाया और एट द एंड वो काम भी नहीं आया उसके बाद रावण का सांपों से मसाज लेना क्या सोच के डाला है भाई तुमने ये भाई और भी कुछ रह गए तो वो भी डाल देते शेर उसकी मालिश कर रहा है वो भी डाल देते और इतना ही नहीं अगर तुम रावण के इस लुक को छपरी बोल रहे हो तो रुको इसके घर वाले और भी ज्यादा छपरी है बाप ने सिर्फ हेयर स्टाइल को ही छपरी वाला रखा है लेकिन बेटा आई मीन मेघनाथ उसने तो पूरी बॉडी पे टैटू पेड़ की जड़ों जैसे बाल बियर्ड मतलब की जो जो चाहिए था तो वो सब करके रखा है और एट द एंड उसे फ्लैश बना के छोड़ दिया जब देखो तब यहाँ वहां भागता रहता है उसके बाद राम जी का रनिंग शॉट इतना फेक रनिंग शॉट मैंने आज तक किसी मूवी में नहीं देखा है फिर आउट ऑफ नोवेयर बीच में एक रोमांटिक गाना डाल दिया है सच में इस मूवी का डायरेक्शन बहुत ज्यादा खराब है पूरी मूवी में आपको दस से पंद्रह लोग ऐसी ज्यादा रियल एक्टर्स देखने को मिलेंगे ही नहीं राम जी के साइड के पाँच छह लोग राम जी सीतामा लक्ष्मण शबरी और फ्लैश में राम जी के पिता और कई कई उसके बाद रावण साइड में पांच छह लोग रावण सुपनका रावण की बीवी उसका बेटा मेघनाथ और विभीषण और एक आधा सैनिक इससे ज्यादा रियल एक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे ही नहीं इनके अलावा बाकी सब एनिमेशन और वी एफ है और अगर मूवी एनिमेशन और वी एफ एक्स ऐसी बनाई गई है तो उसको रेंडर तो ढंग की पीसी पे करो मूवी का कोई भी पार्ट ढंग से रेंडर नहीं हुआ है कई जगहों पर फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं एक फूल पार्ट है जिसमें उसके ऊपर का पार्ट तो आगे जा रहा है लेकिन उसकी डंडी पीछे रह जा रही है और धीरे धीरे आगे आ रही है और अगर आपसे ये भी ढंग से नहीं हो रहा है तो उसके जगह पे आप एक नकली फूल बना देते तो वो भी चल जाता और इस सीन में जब हनुमान जी सीता से इसमें जाते रहते हैं तो इनके उड़के जाते टाइम पे इनका जब पैर फ्रेम में बचता है तो इनका पैर कितना शेक करता है ऐसा लगता है की वो डमी है उसके बाद कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम डिजाइन पता नहीं क्या सोच के किया है सीता सीतामा की साड़ी रावण का ये कॉस्ट्यूम ऐसा लग रहा है की सैफली खान जिस टी शर्ट में शूट पे आए थे उसी में उनसे एक्टिंग भी करवा ली है और राम जी को चप्पल पहना दिया गया है भाई इन्हें कोई बताओ उस टाइम पे ऐसी दिखने वाली हुआ करती थी और ये प्रभास को जीजस बनाने का आइडिया किसका था और सीता के इस है, देख के है थे। फिर हनुमान जी और संजीवनी पर्वत की बात करे तो जहाँ तक हमें पता है की जब बजरंग संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तब उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी तब वो भोलेपन के कारण वो पूरा पर्वत उठा के ले आते हैं लेकिन आदि पुरुष में बजरंग ये सोच के पर्वत ले आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि युद्ध तो अभी पूरा बाकी है आगे काम ही आएगा स्टॉक के नाम पे पूरा पर्वत उठा के ले आते हैं उसके बाद लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए कहां पे लेटाया गया है टब में संजीवनी बूटी लाया गया उसे पीसा गया गया उसके बाद को भरा गया। फिर जाके लक्ष्मण जिंदा हुए मतलब की कोई भी चीज को सीधा सीधा नहीं करना है उसे मुश्किल करके घटिया कर देना है और फिर इनके डायलॉग जली जली ना कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का आग तेरे बाप की और जले तेरे बाप की बुआ का बगीचा हवा लेने आया है मेरे एक नाग ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया किस छपरी के साथ बैठ के तुम ये डायलॉग लिख रहे थे कुछ तो चीज रखते जिसके लिए हम इस मूवी की तारीफ करें और एक सीन में जब विभीषण राम जी को आके बोलता है कि रावण के वजह से हमारे नगर वासियों को कुछ कष्ट ना हो लेकिन तुमने तो यहाँ पे कोई नगर वासियों के घर दिखाया ही नहीं है तो कौन से नगर वासियों को कष्ट होने वाला है कष्ट तो हमें हो रहा है ये मूवी देख के रावण के यहाँ तो दूर दूर तक खंडर ही खंडर है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है की उस टाइम पे रावण के पास ऐसी कहाँ से टेक्नोलॉजी आ गई थी की वो दीवार पे ब्लेड्स लगा के रखा है की कोई चढ़ ना सके भाई उसके पास इतना टेक्नोलॉजी था तो वो लोहा क्यों पीट रहा था ये तो मैंने आपको इतने सारे सीन्स और चीजें इसकी बता दी लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरी मूवी नॉन सेंस है पूरी मूवी में इन्होंने सिर्फ एक चीज रिसर्च करके डाली है कि रावण इस सीन में सीता सीतामा को बिना टच किए यहाँ से लेके जाता है क्योंकि जिनको नहीं पता कि रावण को एक श्राप था कि अगर वो किसी भी स्त्री को बिना इजाजत छूता है तो उसके सारे सिर वहीं पे तबाह हो जाएंगे तो यही थे इस मूवी के वर्ष सीन्स अगर आप इन सबके बाद ही मूवी देखने के लिए जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो शायद आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिख जाए बाकी इसका स्टार्टिंग का गाना तो है ही अच्छा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप मेरी ये वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो